नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जया। भोपाल से चलकर कंप्यूटर बाबा की यात्रा चित्रकूट से मैहर सतना होते हुए रीवा पहुंची, जहां मंगलम मैरिज गार्डन में ढोल नगाड़े से बाबा का स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी द्वारा गौ सेवा कार्यक्रम के तहत यहां पर चंद्रमणि शुक्ल द्वारा कंप्यूटर बाबा का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद यहां पर गौ सेवा के संबंध में दिए गए चाहूंगा कि सड़कों पे गाय बिलक बिलक के मर रही नहीं बिलक बिलक के मर रही, और ऐसी स्थिति में हमारे जो है सनातन धर्म को कहने वाली सरकार कि हम सनातन धर्म, ये सनातन धर्म के हो ही नहीं सकते जिनके राज्य में हमारी गौ माताओं की जय हम हाल और बेहाल, इनकी दुर्दशा हो रही, मरने को मजबूर है। इसलिए हम जनता के सामने आए हुए हैं, जनता से कह रहे हैं कि सनातन धर्म की कहने वाली सरकार जो सरकार बनी थी वो सनातन धर्म के नाम से बनी थी, आज उनके ज़माने में गौ माता पड़ी है और बिलक बिलक कर रो रही है। इसलिए जनता से अनुरोध है ऐसी सरकार को ना लाएं जो सनातन विरोधी हो, धर्म विरोधी हो, जिसके राज में गौ माता सड़कों पर पड़ी हो। कौन सी सरकार आ जाएगी तो आपके सनातन धर्म सही हो जाएगा, गाय सड़कों से हट जाएंगी? पूर्ववर्ती सरकार कमलनाथ सरकार जब थी 15 महीने की सरकार, उन्होंने हजारों गौशालाएँ बना दी, चल रही हैं और चल रही थी, और हजारों गौशालाएं जो हैं वो रास्ते में बंद करके रख दी उन्होंने। 15 महीने के पहले भी सरकार थी 50 साल, और गाय का वही हाल है। देखिए गाय के हाल आज की परिस्थिति में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने की सरकार में हम लोग थे, हमें मालूम है कि गौ माता की 1000 गौशालाएं बनाई मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में सबको सुखमय जीवन बीता, एक भी सड़कों पर गाय नहीं रही। आज की स्थिति है सरकार की कि शिवराज सरकार में हजारों गौशालाएं मरने को मजबूर है, और न उनके पास पानी है ना भूसा है। तो ऐसी स्थिति में आज जनता के सामने हम लोग जा रहे हैं, और जनता से हमारा अनुरोध है अपने आप को सनातन कहने वाली सरकार जिनके राज्य में गौ माता बिलक रही हैं, मर रही हैं, आइए हम सब मिल करके ऐसी सरकार को बदलें, वो सरकार लाएं जो सनातन धर्म की रक्षा करें, कहें ना करें। देश में इतने साधु संत हैं, अगर एक साथ आ जाएं तो ऐसे ही अपने आप समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, समय आने आ धीरे धीरे, गांधी जब आज़ाद देश हुआ था तो ऐसा नहीं कि गांधी जी अकेले, वो चले पीछे से लाइन लगने पर कारवा बनता गया, ऐसा सिस्टम है कि शुरुआत होती है तो फिर बड़े स्तर से आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।